देवरी क्षेत्र में 24 घंटे लगातार नदी नाले उफान पर हैं। वहीं बारिश से पहले नालियों की सफाई नहीं होने से जगह जगह जल भराव की स्थिति बन गई। जेसीबी से नाली खुदवाने के बाद पानी की निकासी हो सकी। देवरी नगर में लगातार दो दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। तो वहीं कई जगह पर बारिश का पानी निकासी न होने के कारण मकानों के अंदर भरने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देवरी नगर से लगी हुई ग्राम पंचायत जुगनू में बारिश का पानी गांव के ही एक मकान में भरने से रहवासी लोगों को मुश्किलें खड़ी हो गईं। स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत के द्वारा नाली निर्माण न कराए जाने और नालियों की साफ सफाई न होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पाने से मकान में पानी भर गया। मकान में पानी भर गया, नाली सूखी थी, पूरे हमारे दरवाजे में भर गया, दो तीन फुट पानी। अच्छा, कितना नुकसान हुआ है? पूरे सब उन्ना कपड़ा जितना सामान है तो सब भी गया। वो तो एकदम भर गया जाके पूरे नाली। कितने फुट पानी भर गया था? पानी कम से कम दो ढाई फुट भर गया पानी। फिर कैसे निकाला गया पानी को? मशीन आई है, मशीन ने खोदो जाए नाली से, फिर निकलो पानी। मकान में रखा सारा सामान पानी में भीग गया। मकान में पानी भरने के बाद मकान मालिक द्वारा तत्काल आनंद फानन में निजी खर्चों पर जेसीबी मशीन मंगाकर पानी निकालने के लिए नाली खुदवाई गई और करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद घरों में भरा करीब दो फीट पानी को निकाला गया। एसजे न्यूज के लिए देवरी से राकेश यादव की रिपोर्ट।